हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तो देखिए हमारे कान्हा कैसे लग रहे हैं, मेरे लड्डू गोपाल प्यारे से। तो आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और नाश्ते में आज हम बना रहे हैं गर्मा गर्म पोहा। तो ये देखिए मैंने मूंगफली को भून लिया है। तो आज बच्चों ने जिद की कि हम सुबह सुबह पोहा खाएंगे, तो उनके लिए हम पोहा बना रहे हैं ये। और ये मैंने तेल ले लिया है, तो तेल में मैंने राई डाल दी है और ये कड़ी पत्ता डाल दिया है और थोड़ा सा जीरा डाल दिया है। इससे बहुत अच्छा पोहा लगता है। साथ में मूंगफली के दाने और ये मटर। तो ये मटर मैंने फ्रोज़न वाली ली है, तो फ्रोज़न मटर को मैंने फ्रीज से निकाल के गर्म पानी में बॉयल कर लिया है 5 मिनट के लिए, जिससे हमारी मटर काफ़ी सॉफ्ट हो गई है और बहुत ही अच्छी पोहा बन के तैयार हो जाता है अगर मटर को आप थोड़ा सा बॉयल कर लीजिए। और ये मैंने इसमें से नमक डाल दिया है। तो बस सभी को अच्छी तरह से हम भून लेंगे। भूनने के बाद ये हमारे पास पोहा है, तो मैंने भिगा के रखा था 5 मिनट के लिए। तो मैंने इसमें पोहा को ऐड कर दिया है, डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, हल्दी पाउडर, और ये डाल दिया है मैंने इसमें पास्ता मसाला। तो अगर आपके पास पास्ता मसाला नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सब्जी मसाला डाल दीजिए। लेकिन बच्चों को थोड़ा सा चटपटा या अलग टेस्ट चाहिए था, तो मैंने इसमें पास्ता मसाला ऐड कर दिया है। और मैंने इसमें आधा गिलास के आसपास पानी भी डाला है। पानी क्यों डाला है? इसलिए डाला है क्योंकि ये पोहा जो काफ़ी टाइट हो गया था, ये तो मैंने इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए इसमें पानी और ऐड कर दिया, जिससे पोहा काफ़ी सॉफ्ट बन जाए और खिला खिला रहे। तो आपको भी अगर खिला खिला पोहा बनाना है, तो जब भी आप पोहा बनाएं तो आधे गिलास के आसपास पानी ज़रूर डाल दें, क्योंकि पोहा जो होता है वो चावल का होता है, तो चावल जो है वो पानी को सोक करता है। इसलिए देखिए मैंने आधे गिलास के आसपास पानी भी डाला है। देखिए पोहा तब भी हमारा कितना मस्त बन गया है, क्योंकि जो पानी मैंने डाला था तो पोहा ने उसको कर लिया है सोक। तो ये बन गया है हमारा मस्त पोहा। तो देखिए कितना खिला खिला पोहा लग रहा है हमारा। तो इसको एक बार और हम चलाएंगे। और अब डाल देंगे इसमें नींबू का रस, जो पोहे के टेस्ट को और बढ़ा देता है। आप कभी ट्राई कीजिएगा नींबू का रस पोहा में डाल के। और ये डाल देंगे आलू भुजिया। तो लोग आलू भुजिया तो डालते ही हैं, लेकिन आप नींबू का रस भी डाल के जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा पोहा का टेस्ट आ जाता है इसमें से। तो ये देखिए पोहा हमारा बन के तैयार है। अब हम प्लेट में निकालते हैं। तो चलिए आप भी हमारे साथ सुबह का नाश्ता कीजिए, पोहा और चाय। और ये डाल दिया है ऊपर से नींबू का रस, और इससे पोहा खाने में और अच्छा लगे। अब ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल को, तो ये शाम का ब्लॉक है, तो शाम का ब्लॉक भी मैंने इसी में ऐड कर दिया है, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल सब खेल रहे थे। तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों को लड्डू गोपाल से मिलवा देते हैं। देखिए सब अपने अपने में बिजी हैं, एक बलराम है, एक लड्डू गोपाल है। तो ये हैं बलराम, ये हैं लड्डू गोपाल आ गए हैं। तो ये घर का ब्लॉक है, घर पर भी देखिए खेल रहे हैं लड्डू गोपाल। तो छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जितने फ्रेंड्स हमारे नए आते हैं चैनल पे, सब्सक्राइब शेयर और लाइक करना ना भूलिए। और लड्डू गोपाल देखिए अपने मस्ती में बिजी हैं। तो मैंने इसमें से म्यूज़िक हटा दिए, क्योंकि कॉपीराइट आ जाता। तो हमारे लड्डू गोपाल कैसे लगे आप सभी ज़रूर बताइएगा। सो साथ में राधा भी डांस कर रही हैं लड्डू गोपाल के साथ में। तो आज कृष्ण जन्माष्टमी कैसी रही आप लोगों की कमेंट करके बताइएगा आप लोग। और मैंने शाम की पूजा की है, तो शाम को मैंने मंगाया है केक लड्डू गोपाल के लिए। तो आप लोग जरूर पूजा में आइएगा। और ये देखिए हमारी राधा रानी, वो कैसी लग रही हैं, तो जरूर कमेंट करके बताइएगा मेरी राधा रानी कैसी लग रही हैं। ये देखिए नीचे भी राधा रानी खेल रही हैं अपने कान्हा के साथ।
तो सब बच्चे बहुत ही एक्साइटेड है और खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। राधा रानी भी हैं, गोपियाँ भी हैं, कृष्ण बलराम भी हैं। अरे वाह, आप बना स्कूटी रहता तो जा जाके ले आती खुद। सारे बच्चे घूम रहे हैं, खुद एंजॉय हो रही है। तो ये देखिए हमारी तारा इधर उधर घूम रहे हैं, बलराम भी घूम रही है, गोपिया भी घूम रही है। ये देखिए राधा दाना जी तो भागे जा रहे हैं इधर उधर, अब इनको पकड़ने तो इनकी गोपियाँ जा रही हैं। अब रात के बज गए हैं 12, अब हम जा रहे हैं अपने लड्डू गोपाल का जन्मदिन मनाने। तो ये हमने रखा है केक, केक में लगा दिया है कैंडल। तो चलिए लड्डू गोपाल केक कट करने जा रहे हैं। आप लोग क्लैपिंग कीजिए और हैप्पी बर्थडे काना बोलिए। तो लीजिए मैं लड्डू गोपाल, थोड़ा भूख लगा लीजिए आप भी केक का, क्योंकि आपका तो बर्थडे है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी ब्लॉग के साथ एंड करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं।